हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम मंडी का जो था सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखिए प्लीज़। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्यापम के द्वारा प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं, उनके अनुसार से सामान्य जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इंस्पेक्टर वगैरह में। तो हम बात करने वाले हैं कि इस प्रकार से इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, उन एग्जामों के दृष्टि से हम देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस प्रकार के हम अपने तैयारी को एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो चलिए हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन यह पूछा गया था कि कौन सा अंग निम्न में से आदम का सेव के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी लिरिक्स। लिरिक्स को क्या है कि आदम का सेव के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन को आप देखते चलेंगे, यह बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निकल लोह मिश्र धातु को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का, यह साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। आप इसे भी अच्छे से पढ़ते चलेंगे, जो 10th लेवल के जो साइंस आता है उन सभी चीज़ों से आपका यह साइंस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें आप पढ़ते चलेंगे। तो मिश्र धातु को यहाँ पर बताना है आपको कि निकल मिश्र धातु, ठीक है, निकल मिश्र धातु को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 88 का, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनवार एक क्या होता है, निकल लोह मिश्र धातु है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 89। 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय डिविजिबल पुल में राज्यों के शेयर को बढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 32% से 42%। तो इस प्रकार से आप यह पूछा गया क्वेश्चन जो है आपका, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। यह अर्थव्यवस्था से कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्न में से कौन पंख ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 12 तंग एक पंख ज्वालामुखी के नाम से हम जानते हैं, जो कि पंख का जो ज्वालामुखी है वह 12 तंग में है। और यह भूगोल से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप भूगोल के विषय को भी अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह जो भी क्वेश्चन है, इन सभी टॉपिक्स को आप निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी करेंगे तो एक अच्छा आंसर आपसे बन पाएगा और इस प्रकार के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट संविधान से क्वेश्चन लिया गया है कि संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से ही पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई थी। तो 92 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। यह आप याद रखेंगे, संविधान से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। इससे प्लीज़ कि यदि कोई नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी इससे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ मदद प्राप्त हो सके। इस प्रकार के जो भी स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर तथा मंडी इंस्पेक्टर में भर रहे हैं उन सभी के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस प्रकार से संविधान से, भूगोल से और अर्थव्यवस्था और साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम यह जान पाते हैं कि उनका किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक्स को उनका ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 93 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाम से शिवाजी के मंत्रिमंडल को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हम बात करेंगे अष्टप्रधान के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से शिवाजी के संबंधित जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि शिवाजी मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो कि यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मंत्र के विषय में सही नहीं है। फिर संविधान से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन है संविधान से पूछे जाते हैं। तो संविधान में आप अच्छे से तैयारी करेंगे और इस प्रकार से देखिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन रहते हैं, क्या सही है इसमें पूछा गया है। और इस प्रकार से आपको देखिए दिए रहते हैं, देखिए लोकसभा के स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में, और इस प्रकार से 7 इसमें 6 दिए गए हैं कथन और इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसका अगर राइट आंसर की हम बात करें 94 की, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है,
इसका राइट आंसर सी नंबर यानी कि 2, 3 और 6 इसमें सही है। तो इसमें पूछा गया था कि लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मंत्र के विषय में क्या सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यानी कि यह सरकारी विधेयक का उपयोग किया जा सकता है, यह लोकसभा की स्पीकर का निर्णय होता है, यह विश्वास प्रस्ताव को उपयोग के लिए किया जा सकता है, यह भी निर्णायक स्पीकर के लिए होता है, और यह धन विधेयक है का उपयोग करने के किया जाता है, तो यह धन विधेयक का जो है उसमें भी लोक स्पीकर का महत्वपूर्ण जो निर्णय होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि हिमालय में कौन सा पहाड़ी प्रवेश भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है, तो 95 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर यानी कि नाथुला पास। तो इस प्रकार से दर्रे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है या SCF एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए बेनिफिट हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हिमालय में कौन सी पहाड़ी प्रवेश करते हैं और सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पृथ्वी के संबंध में निम्न से कौन सा कथ्य सही नहीं है। देखिए भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से थोड़ा डीपली क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप भूगोल को भी एक अच्छे से आप पढ़ते चलेंगे। तो पृथ्वी के संबंध में निम्न से कौन सा तथ्य सही नहीं है, नहीं है बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा यानी कि ध्रुवीय व्यास भूरेखीय व्यास से अधिक होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, पृथ्वी के संबंध में यह कथन क्या है सही नहीं है, यानी कि जो ध्रुवीय व्यास है वह भूमध्य रेखा व्यास से अधिक होता है, यह बात क्या है गलत है यानी कि कम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को हम जियोंट के रूप में जानते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यह मतलब ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन दिया है सी में कि भूमध्य रेखा व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर के कारण पृथ्वी सपाट या अंडाकार आकृति में है। ठीक है, पृथ्वी ध्रुव पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभार लिए हुए है, यह भी कथन क्या है सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को यदि आप सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि पृथ्वी के जियोंट रूप में आप जानते होंगे कि कथन सही है, तो इस प्रकार से सही कथन के अंदाज पर भी आप ये लगा सकते हैं कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो भूगोल का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चनों को आप निश्चित रूप से आप देखते चलेंगे, इस प्रकार से टॉपिक्स को समझते चलेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है संविधान में जोड़ी और 10वीं अनुसूची से। तो इस प्रकार से अनुसूची जो होता है संविधान में उससे एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं, जिनमें 12 अनुसूची होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय जो हैं उसके से पूछे जाते हैं, कभी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं और 10वीं 11वीं अनुसूची है, तो इसमें से हमेशा पूछा जाता है। और सभी लोग जानते होंगे कि संविधान की जोड़ी गई 10वीं अनुसूची जो है वह दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रदान करता है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। तो संविधान को आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आराम से आपको बन जाते हैं, और इसमें अगर हम कटअप की बात करें तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि 150 नंबर में आप यदि जनरल कैटेगरी से 105 से 110 नंबर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि OBC की हम बात करें तो 90 से 100 के बीच यदि आपका मार्क्स आ जाता है तो इस प्रकार के एग्जाम में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और ST SC का इसी प्रकार से 5 और 10 कम करते चलेंगे, और फीमेल का भी 5 से 10 क्वेश्चन बस 10 नंबर कम होते हैं जो कि मेल फीमेल कैटेगरी से। तो इस प्रकार की चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ समय पूछा गया था कि चंद्र ग्रहण क्या है, तो भूगोल का ये जो सौरमंडल है उसको भी आप पढ़ेंगे। कभी कभी यह पूछ दिया जाता है कि सौरमंडल में सबसे जो है लंबा दिन कौन सा है, सबसे लंबी रात क्या है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है, सौरमंडल की और ग्रह कौन कौन से हैं, उस ग्रह से संबंधित पूछा जाता है कि कितने ग्रह हैं, और उन ग्रह से संबंधित हमेशा क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ग्रह से। तो सौरमंडल को आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, या इस टॉपिक्स के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है इससे आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का मतलब यह होता है कि पृथ्वी और सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यदि हम बात करें जो पृथ्वी ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण, सूर्य पर ग्रहण एक्चुअली होता नहीं है, उसे हम पृथ्वी ग्रहण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आता है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार से सौरमंडल के टॉपिक्स को आप निश्चित रूप से एक अच्छा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो हर एग्जाम में आपको फायदा होगा, और इस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 99 का, ये देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है, इसका 99 का राइट आंसर डी नंबर होगा, जो किलो इस्पात उद्योग से है। इसी प्रकार से प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से आप बढ़ाएं, तभी हम आप सभी के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं, और बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ इसको एक हेल्प के रूप में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, या आपका
सहयोग होगा हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से यह कला का क्वेश्चन है, तो कला और संस्कृति का भी थोड़ा सा हम अध्ययन करते चलेंगे। इस प्रकार से जो फेमस मंदिर हैं, जो आप समझ सकते हैं कि धरोहर हैं हमारे, उन सभी मंदिरों को भी अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर हम बना पाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर तंजोर हो जाएगा। तो कला को भी आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, आर्ट का कल्चर का भी देखेंगे। 1857 क्रांति से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो 1857 के विद्रोह में लखनऊ के नेताजी थे, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह की लखनऊ के नेता थी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बेगम हजरत महल। तो वह एक लखनऊ की क्रांतिकारी थी, ठीक है, इस प्रकार से आप याद करेंगे, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस अक्षांश में उष्णकटिबंधीय पाया जाता है। यह देखिए भूगोल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सौरमंडल से संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं सौरमंडल से संबंधित, तो आप इसको भी अच्छे से अध्ययन करते चलेंगे। इसका हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अक्षांश में उष्णकटिबंधीय पाया जाता है, तो इसका ये राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर तथा दक्षिण में 0° से 23.5 अक्षांश में जो होता है वह उष्णकटिबंधीय पाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निसंदेह आपको बनना चाहिए, क्योंकि सौरमंडल का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त करते हैं इससे, तो हर एग्जाम में सौरमंडल से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। तो एक पार्ट वहाँ पर दिया गया है सौरमंडल का, जितने भी ग्रह हैं उनसे ग्रह से संबंधित क्वेश्चन, यह अक्षांश है, देशांतर है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, इन सभी चीज़ों को आप अध्ययन करते चलेंगे। सौरमंडल का सिद्धांत क्या है, पृथ्वी का उत्पत्ति का क्या कारण, के बिग बैग सिद्धांत है, इन सभी टॉपिक को आप क्लियर करते चलेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छा तैयारी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अशोक, देखिए यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अशोक से अकबर से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तीन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे से तैयारी करते चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है, यानी कि मौर्य वंश से संबंधित था। पिछले वर्ष कई एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया था। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी को पढ़े किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना नामुमकिन सवाल है, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के आसान क्वेश्चन आते हैं और ये डेफिनेटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि रोलेट एक्ट के तहत हम जान सकते हैं महात्मा गांधी का प्रथम बार राष्ट्रीय जो व्यापी सत्याग्रह था, तो रोलेट एक्ट के सत्याग्रह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यों भूमि पानी की तुलना में अधिक तेजी से तपता और ठंडा होता है, तो इसका राइट आंसर होता है भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है। इसका राइट आंसर 106 का हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं जो होती हैं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि मौद्रिक नीति का अंग है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है, देख रहे हैं इस प्रकार से संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संविधान को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। 107 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी भारत का महान्यायवादी जो है वह निम्नलिखित में कौन सा प्राधिकारी संसद की किस सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यायवादी होता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर 108 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वायु का फलक जो है आपका हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, 109 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि तृतीय स्थान को प्राप्त करता है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर 110 का हो जाएगा, केरल राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक जो है केरल राज्य में है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 11 के, निम्न में से किसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर बहुत ही अच्छा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में देखने को मिलते हैं। राइजोबियम नामक एक जीवाणु जो होता है उसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि किसी भी दलहनी पौधे में विशिष्ट रूप से इसका योगदान होता है, उनके उपजाऊपन मिट्टी को बनाने में भी कार्य करता है और इसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए यह महत्वपूर्ण रूप से भी कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किचन में प्रयुक्त होने वाले
ठीक है। किचन में प्रयुक्त कांच के बर्तन पायरेक्स ग्लास से बने होते हैं क्योंकि उनका विस्तार गुणांक खाली स्थान होता है, तो 112 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कम होता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन को, यह फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के भी अच्छे से अध्ययन करते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, सभी लोग जानते होंगे इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था, और यह क्वेश्चन हमारा जो है हिस्ट्री और प्लस इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जो हिस्ट्री और क्वेश्चन के इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति संबंधित टॉपिक्स उन टॉपिक्स को भी अच्छे से आप तैयारी करें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 114 का जो है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, यह इकोनॉमिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है, बेस्ट है। इस प्रकार के जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है प्रति व्यक्ति आय है, प्राथमिक जो द्वितीय प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी इस प्रकार से जो भी हैं और पंचवर्षीय योजना है, इन सभी टॉपिक को आप जरूर कवर करेंगे, देखिए इनसे क्वेश्चन सीधे पूछा गया है। इस प्रकार से खनिज स्थानों से क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो यह भूगोल का जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो जियोग्राफी का जो हमारा खनिज संसाधन है उनसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं जैसा कि इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। यानी कि यदि हम बात करें तो रावघाट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते होंगे रावघाट जो होता है लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोह की मात्रा वहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है रावघाट। खेतरी है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जवार जो है आपका राजस्थान में सीसा और ताम जस्ता आयस के लिए प्रसिद्ध है, और बालाघाट जो है मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट क्या है, मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को निसंदेह रूप से आप याद करते चलेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, 116 में इसका पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब संभव होती है, सूर्य की प्रकाश में तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन पानी और ग्लूकोज सभी मात्राएँ प्रमुख रूप से होती हैं, पर यहाँ पर विकल्प में से किसी एक को चुना था इसलिए व्यापम ने इसे क्या कर दिया है, विलोपित कर दिया है, यह विलोपित कर दिया गया है यानी कि डिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज का, यह देखिए संबंधित है 1945 में इस प्रकार के प्रकरण हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि सुभाष चंद्र बोस के जो है नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, जिसके कारण उनके द्वारा ब्रिटिश जो शासक थे उनके द्वारा मुकदमा भी चलाया गया था। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के तीन सेनापतियों, एक थे सहगल, दूसरा थे शाहनवाज, तीसरा था डीलू के विरोध निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला दिल्ली में। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन से संबंधित जो भी हैं आप निश्चित रूप से पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन का विषय क्या है, ये देखिए करंट अफेयर्स कह सकते हैं नहीं है, इसका राइट आंसर आपको बताना है आर्थिक नियोजन का विषय क्या है, इसका सी नंबर राइट होता है यानी कि समवर्ती सूची है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जैन ट्रिनिटी की किस संदर्भ में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि अनिवृत्त यानी सब्सिडी के हस्तांतरण है जैन ट्रिनिटी। तो इस प्रकार से आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखते चलेंगे। यदि कोई विधेयक राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किया जाता है किंतु राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो क्या होगा, इसको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए नंबर यानी कि विधेयक अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा। क्योंकि यदि हम बात करें राज्य विधानमंडल में दो होते हैं, एक होता है राज्य विधानसभा और एक राज्य विधान परिषद होता है। यदि हम बात करें तो राज्य विधानसभा का पावर सबसे अधिक होता है और राज्य विधान परिषद का पावर क्या होता है, कम होता है। और हमारे जो 28 राज्य जो हैं उनमें से केवल 7 ऐसे हैं राज्य जिनके पास विधान परिषद है, जबकि अगर हम बात करें तो किसी भी विधेयक को पास होने के लिए दोनों सभाओं में पारित होना जरूरी होता है, जिसके कारण यदि यहाँ पर कहा गया है कि विधेयक अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा क्योंकि केवल उसे राज्य विधान परिषद ही पास किया था और राज्य विधानसभा उसे पारित नहीं किया था। तो इस प्रकार से संविधान से देख रहे हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन अब तक हो गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप इस प्रकार के वीडियो से आप बने रहिए। नेक्स्ट राज्य से पूछा गया था कि राज्य में दीपासा नाम हाल में किसे दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य से संबंधित है उदंती में जन्म लिए मादा वन भैंसा का जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य में महिला पुरुष लिंग अनुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, छत्तीसगढ़ के जनगणना से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, महिला का 991 प्रति जो पुरुष है 1000 में है, तो इस प्रकार से जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नए महानिदेशक का पद किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर बी नंबर था अजय माथुर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से, करंट से आप देखते चलेंगे, करंट से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका नियुक्ति होना है किसी महान जो है संस्थाएं का नियुक्ति या किसी ऐसे बड़े अधिकारी का नियुक्ति है, तो इन सभी नियुक्तियों को आप अच्छे से याद करते चलेंगे। करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण रूप से यही सब पूछे जाते हैं, या खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी वर्तमान समय में कौन सा जो है किसी को कोई पुरस्कार मिला है जैसे स्वर्ण पदक या कोई पदक प्राप्त हुआ है, इन सभी से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। अगर उस समय की बात करें तो रणवीर सिंह सैनी को मिला हुआ था, 10वें G20 सम्मेलन का आयोजन था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 125वां का राइट आंसर। सात्रिया नृत्य किस राज्य की शैली है? सात्रिया जो है आपका 126 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम से सात्रिया नृत्य असम में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी भरतनाट्यम, कथक, कली, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गिधवा, जो भी ये सब नृत्य है, इन नृत्य से क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो आप इसे भी अच्छे से अध्ययन करेंगे जो कला का पार्ट है। निम्न में से क्या था लीजेंड ऑफ द ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 127 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है। इस प्रकार से आपका उपरोक्त में से सभी को लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संचल में स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने सत्य से मत डिगो, चाहे जियो या मरो का नारा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का, सुंदरलाल शर्मा जी का। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का था कि सत्य से मत डिगो, चाहे जियो या मरो का नारा दिया था। कैसेट राइट किस धातु का अयस्क है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। कैसेट राइट जो होता है इसका राइट आंसर टीन का है, ये टीन एस्क से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किस भारतीय लोक सेवक को वर्ष 2015 में रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसका, संजीव चतुर्वेदी जी को दिया गया था। इस प्रकार की चीज़ें भी पूछी गई थी। निम्न में से कौन सा प्रख्यात संतूर वादक है? तो 131 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी बी नंबर, यानी कि शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम पार्ट जो है आपको बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।